हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में हम प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ चुके थे, तो उसी कड़ी में आज का हमारा जो वीडियो है वो भारत की मिट्टियों से रहेगा। हम देखेंगे भारत की मिट्टियाँ, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उससे पहले हम मिट्टियों की जो संस्तरण होते हैं, जो परतें होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, उनके संबंध में चीज़ों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को देखें कि मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडागोजी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको अलग कर लेंगे पेडागोजी से, क्योंकि पेडागोजी का मीन्स होता है शिक्षण शास्त्र संबंधी चीज़ें, ठीक है। तो मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडालोजी कहलाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मृदा निर्माण की, अर्थात मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखिए, मिट्टी का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया है, अर्थात उसको मिट्टी बनने में लंबा समय लगता है, हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। लेकिन जो इसकी प्रक्रिया है वो है बहुत सिंपल। किस प्रकार, अर्थात दो शब्द आपने सुना होंगे, एक अपक्षय बोलते हैं, अपक्षय और अपरदन, यानी यही दो प्रक्रिया है जिनके द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है। जैसे एक चट्टान है और समय के कल, मतलब समय बीतने के साथ साथ जब जैसे जैसे समय होता है, क्योंकि समय भी मिट्टी को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, तो समय के साथ होता क्या है कि उस चट्टान का अपक्षय होता है और अपरदन होता है। तो उसका अपक्षय और अपरदन के तत्पश्चात जो वो बनते हैं, उसके कण होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मिट्टी कहलाते हैं, ठीक है। आइए एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो कहा गया है कि मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडित होने और उसमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने से लाखों वर्षों में हुई जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। और वो प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, उन प्रक्रिया को कहा जाता है अपक्षय और अपरदन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, यानी वे कौन कौन से कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अर्थात देखेंगे, सबसे पहले उच्चावच की बात करते हैं। उच्चावच मीन्स जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी मिट्टी है, यानी आपकी भूमि की परत है, ठीक है, वो किस प्रकार की है। यदि उबड़ खाबड़ एरिया की है, यानी यदि पर्वतीय भाग है, तो उस मिट्टी को बनने में अलग प्रक्रिया होगी, अर्थात उसके अलग प्रकृति होगी। दूसरा पॉइंट देखेंगे जलवायु भी एक फैक्टर करते हैं, और वनस्पति भी क्या करती है कि वनस्पतियाँ क्या करती है कि उसकी उर्वरकता, ठीक है, उसके अंदर जो उसके गुण है, अम्लीयता है, क्षारीयता है, उसको प्रभावित करती है, ठीक है। ऐसे ही जीव, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है समय। समय क्या करता है कि समय के समय ही ये फैक्टर करता है, मतलब जितना लंबा समय होगा, जितना ज़्यादा समय बीतता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है, मतलब मिट्टी का निर्माण और अच्छे तरीके से होता जाएगा, ठीक है। तो ये पाँच फैक्टर हैं, और भी अन्य कारक हैं जो फर्क पड़ते हैं, लेकिन ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी परतों के बारे में, ठीक है। अर्थात यदि हम एक खड्डा खोद ले जाए और उससे हम मिट्टी निकालते हो, हमें मिट्टी के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, और उन रंगों के कारण ही उनमें कुछ प्रकृति प्रवृत्ति पाई जाती है। उन प्रवृत्ति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन सी परतें हैं जो पाई जाती हैं, ठीक है। यानी इसको प्रोफाइल बोला जाता है, यानी प्रोफाइल, इसको कहा जाता है प्रोफाइल ऑफ सोइल, यानी कि इसकी जो आपका मिट्टी है, मृदा है, उसकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, इस चित्र के माध्यम से हम इस चीज़ को, प्रोफाइल को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको पांच परतें दिखाई देंगी। जैसे ये एक परत है जिसको मैंने ओ का नाम दिया है, एक परत है जिसको बी ए कहा है, एक ये परत है जिसको बी कहा है, सी कहा है, और इसी प्रकार से आर कहा है, ठीक है। आइए समझते हैं ओ क्या है। ये ओ नाम की जो परत है, ये सबसे बाहरी परत होती है, ये सबसे बाहरी परत होती है, और जितने भी जीव जंतु और कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, वो इसी परत पर हमें दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ पे हमें ह्यूमस की मात्रा दिखाई देती है, इसी परत को ह्यूमस भी कहा जाता है। और ह्यूमस एक ऐसा पदार्थ होता है, यानी ऐसे कार्बनिक तत्व होते हैं उसके अंदर, जो उपजाऊता को बढ़ाते हैं, यानी उपज को बढ़ाते हैं, उर्वरकता को बढ़ाते हैं किसी भी मिट्टी की, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, ऑफ और ऑर्गेनिक लेयर। उसके बाद हम बात करते हैं परत अपनी ए की, इसको टॉप सोयल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉप सोयल कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो आपके छोटे पौधे हैं, जैसे
छोटे पौधे, जैसे आपका गेहूं हुआ, ठीक हुआ, और चावल हुआ, मतलब जो चावल होते हैं उनकी जो जड़ें हुई, और जो शाख होते हैं जैसे आपका गाजर, मूली, इस तरीके की जो आपकी सब्जियां यानी छोटे पौधे हैं, शाख जैसे पौधे हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो इसी परत में रहती हैं, यानी इसी परत में उसको क्या मिलता है, जितने भी उसके आवश्यक पोषक तत्व है वो इसी में परत में प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी ये परत जो है सबसे उपजाऊ मानी जाती है, यानी ये परत सबसे उपजाऊ होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परत बी की या संस्करण बी की, इसको सबसोइल भी कहा जाता है, इसको सबसोइल भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि आपके जो बड़े पेड़ पौधे हैं, बड़े पेड़ पौधे हैं जैसे, मतलब जितने वृक्ष हैं, वृक्ष टाइप के पौधे हैं, उनकी जो जड़ें हैं और वो जड़ें इस लेयर तक पहुंच जाती हैं, यानी जो जो उनकी जड़ें हैं वो इस लेयर तक पहुंच जाती है, और जितने भी आवश्यक पोषक तत्व है वो इसी परत से प्राप्त करती हैं, ठीक है। इसमें कुछ हमें वो भी दिखाई देते हैं, जैसे कि थोड़ा इसमें पत्थर के जो है अवशेष भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेरेंट रॉक की, यानी पेरेंट, इसको बैड सोयल भी कहा जाता है, ठीक है, इसका नाम है पेरेंट, इसको पैतृक चट्टाने भी कहा जाता है, यानी ये जो रॉक सोयल है उसको बनाने से पहले ये परत मिलती है, तो इसको पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। तो पेरेंट रॉक इंग्लिश में कहा जाता है, इसको बैड सोयल भी कहा जाता है, कई नाम है इसके। तो ये परत क्या है, इसमें आपको ज़्यादातर कैसे पथरीले भाग दिखाई देते हैं, और ये पथरीले भाग ही क्या करते हैं, मिट्टी की जो उर्वरकता है, जो उपजाऊपन है, उसको ख़त्म कर देता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस लेयर में जो है कृषि का या खेती का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैड रॉक की, इसको रॉक सोयल भी कहा जाता है, और सबसे निचली परत होती है। इस परत में आपको अमूमन ज़्यादातर पथरीला भाग ज़्यादा दिखाई देता है, ये भी एक ऐसी परत है जिसमें आप कृषि की जो है संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा हमारा मृदा का प्रोफाइल, ठीक है। अब ये जो प्रोफाइल है, इस पूरे को तो कहा जाता है कि मृदा का प्रोफाइल है, लेकिन ये जो इसकी परतें हैं इनको होरिजन बोला जाता है, याद रखेंगे, होराइजन कहा जाता है, होरिजन ए, होरिजन ए, सॉरी होरिजन ओ, होरिजन ए, होरिजन बी और होरिजन सी, और इसी प्रकार से आर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मिट्टियों के कितने संस्करण होते हैं, अर्थात कितने होरिजन होते हैं उसको। आइए इसके संबंध में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। जैसे हमने बात करी थी होरिजन ए के बारे में, तो इसकी क्या विशेषता है कि इसको ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और खाद्य पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, यानी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं होरिजन ए की, तो यह बहुत उपजाऊ होता है, ये जो है अत्यधिक उपजाऊ होता है, और जितने भी हम खाद्य पदार्थ देखते हैं जो हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं, वो जो उगते हैं वो इसी परत के माध्यम से उगते हैं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और पढ़ लेंगे कि कीड़े केचुए इसी परत में रहते हैं। आपने सुना होगा कि जो केचुए होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है कि इसी लेयर में वो पाए जाते हैं, ठीक है, और उर्वरकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट होराइजन बी की, तो इसमें कहा गया कि इसमें बड़े पौधे की जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है, यानी होराइजन बी में आपके जो बड़े पेड़ पौधे होंगे, देखो इसकी जड़ें कहाँ तक पहुँच गई, बी तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। यदि अर्थात यदि आपको बागानी करनी है, मतलब आपको बाग लगाना है, और बाग लगाने के लिए आप जानते हैं कि बड़े पेड़ पौधों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर अपने खेत की जाँच करानी, तो आपको इस लेयर की जो है आपको जाँच करानी पड़ेगी, तभी आप देख सकते हैं कि हाँ हमारी जो मिट्टी है उसमें किस चीज़ की कमी है, और फिर उसको दूर किया जा सकता है। तो इसका मतलब हमें सब सोयल जैसी चीज़ की जांच करानी पड़ती है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट होराइजन सी की, ठीक है। यह खेती के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें किसकी पथरीले पदार्थों की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होराइजन आर, यहाँ केवल पत्थर पाए जाते हैं, अर्थात ये एक चट्टानी भाग होता है, पृथ्वी का चट्टानी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलता है, आपको पत्थर की परत मिलती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, पृथ्वी की जो परतें हैं उनको पढ़ा। अब हम बात करेंगे, अब सॉरी पृथ्वी का नाम मिट्टी की परतों की बात की थी, अब हम बात करेंगे कि भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, और ऐसी कौन सी संस्था है जो भारतीय मिट्टी या किसी भी मिट्टी को
वर्गीकृत करती है। तो भारत में एक संस्था है ICAR जिसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उसने क्या किया है, भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है उनकी प्रकृति के आधार पर, उनके रंगों के आधार पर। आइए तो अब उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है।